Hello children, take out your EVS book, My Living World, okay? Page number 6566, chapter 13, water, okay? Water का मतलब क्या होता है? पानी, है ना? तो आज हम ये chapter पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? So all of you take out your book, open, and all of you watch this video carefully, okay? Now, human beings, animals and plants, human beings पता कौन है? मैं हूँ, आप है, है ना, जो भी मम्मी है, पापा है, दादा दादी है, ये सारे कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है, ओके. एनिमल्स पता ही है, जानवर है. एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लीव. अगर आपको एक दिन बिना पानी के रहना पड़े तो रहोगे नहीं ना, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत नेसेसरी है जिंदा रहने के लिए, ओके. वी गेट water from many sources. Yes, we get water from many sources, and these sources you have also studied in class LKG, class UKG, hai na? Now, what are the main sources of water? From where we get water? Rain, barish hoti hai, river, lake, well, and sea are the different sources of water. ये क्या है? ये different sources of water है जहाँ से हमें पानी मिलता है ना? कौन कौन सा है? रेन है, लेक है, रिवर है, वेल है, सी है, ठीक है? आप देखते हो ना, आप बोलोगे मैम ये सप्लाई वाटर कहाँ से आता है? तो ये सप्लाई वाटर रिवर से आता है, ओके. उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद पाइपलाइंस के थ्रू सबके घर घर तक पहुंचाया जाता है. आपने कुआं देखो, सबसे पहले ये क्या है? देखो ये बारिश हो रही है, दिस इज़ रेन वाटर, ओके. नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वेल, कुआं. आप देखे होंगे मोस्टली गांव में सबके घर में होती है, और शहर में किसी किसी के घर में आपको ये मिलेगा. तो ये क्या है? कुआं, वेल, ओके. नाउ दिस इज़ लेक. ये क्या है? ये लेक है. दिस इज़ रिवर, नदी. एंड दिस इज़ सी, समुद्र, ठीक है? तो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, है ना? हमें यहाँ से वाटर मिलता है. नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6666, ओके. नाउ वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. यस, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हाउ? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूजेज ऑफ वाटर, ओके. इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड. यस, यू ड्रिंक वाटर, एंड व्हाइल कुकिंग फूड आस्क योर मदर, शी यूज्ड वाटर, है ना? क्या करती है मम्मी? खाना बनाने में पानी का यूज़ होता है. अगर आप मार्केट से सब्जी लाते हो तो उसे धोते हो कि नहीं? मम्मा धोती है, खाना बनाती है, तो कुकिंग में भी पानी डालती है, है ना? तो क्या हो गया? इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड. नेक्स्ट, वाटर इज़ यूज्ड फॉर बाथिंग. यस, आप डेली नहाते हो, घर में सारे लोग नहाते होंगे बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ओके. नेक्स्ट, क्लोथ्स आर वॉश्ड विथ वाटर. यस, पानी से क्या होता है? कपड़े भी धोते हैं. वाटर इज़ यूज टू पुट अ फायर. यस, कहीं पर आग लग जाती है तो उसको किसके हेल्प से बुझाते हैं हम? बाय द हेल्प ऑफ वाटर. नेक्स्ट, सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स कैनॉट लिव विदाउट वाटर. आप अपने घर में देखना, किसी पौधे में अगर आप पानी नहीं डालोगे तो वो क्या हो जाएगी? पहले वो मुरझा जाएगी और कुछ दिन के बाद वो मर जाएगी. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ नीड वाटर, ओके. एनिमल्स भी आते हैं, देखते हो वो मांग नहीं पाते हैं, जब प्यास लगती है तो वो भी बेचैन होने लगते हैं. तो विदाउट वाटर वी एनिमल्स एंड प्लांट्स कैनॉट लीव, ओके. सो वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, वॉट इज दिस? सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड अंडरस्टैंड हाउ क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन. ये देख रहे हो कैसे क्लाउड हमारे लिए रेन लाती है. आप देखते हो जब आप पानी, मम्मा पानी गर्म देती है तो उससे क्या होता है? आप देखते हो मम्मा जब पानी गर्म करती है उससे भाफ निकलता है. आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आज मम्मा को बोलना हमें गर्म करके दिखाओ कैसे भाफ निकलती है, ठीक है? और जब पानी से भाफ निकलने लगती है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पानी से भाप निकलता है. उसी तरह जो रिवर्स होते हैं, जो नदी होते हैं ना, नदी का पानी क्या होता है? जब सूरज सन उगते हैं वो आ जाते हैं आसमान में, तो क्या होता है? बहुत गर्मी लगता है आपको भी,
उसी तरह से रिवर वाटर भी उस सूरज की रोशनी से गर्म हो जाता है और उसके बाद ये क्या करता है, ये भी इससे भी भाप निकलने लगता है। ओके, तो वो क्या हो गया, दैट इज़ इवोपोरेशन। इवोपोरेशन नदी में जब सूरज की धूप पड़ती है और यहाँ से जब भाप निकलती है तो उसको बोलते हैं हम इवोपोरेशन, उसको बोलते हैं इवोपोरेशन। ओके, और ये भाप कहाँ चली जाती है, ये क्लाउड में जाकर जमा हो जाती है, ये क्लाउड में जाकर मिक्स हो जाती है, वही इवोपोरेशन क्लाउड बन जाती है। ओके, इवोपोरेट होकर वो क्या बन जाती है, भाप क्लाउड बन जाती है, ठीक है ना। और जब ये क्लाउड से रेन होता है, जब रेन होती है तो हमें कहाँ से रेन मिलता है, ये क्लाउड से बारिश होती है ना, तो ये जो भाप यहाँ जाकर जमा हो गई वो कैसे बाहर आती है, बारिश के रूप में आती है ना। तो देखो ये बारिश होती है उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ओके, तो यही है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड इट ब्रिंग्स अस रेन। ओके, तो सबको याद रखोगे, जब रिवर में सूरज जब आ जाती है तो रिवर का पानी गर्म हो जाता है तो वहाँ से भाप निकलती है, उसे हम इवोपोरेशन बोलते हैं, वो भाप जाकर क्लाउड बन जाती है और जब उस क्लाउड से बारिश होती है, रेन होती है, तो वो बन जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये दो टर्म आपको याद रखनी है। ओके चिल्ड्रन, आप जब आगे क्लासेस में जाओगे तो इसे अच्छे से पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस आपको इतना जानना है कि ये इवोपोरेशन और ये कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलो आज आप लोग क्या करोगे, रीड द चैप्टर। ओके, इस चैप्टर को आपको रीडिंग करनी है एंड हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करनी है। ओके, एंड इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कब करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। ओके चिल्ड्रन, टिल देन बाय बाय।